सो हे गाइस, आज के इस वीडियो में अपन एक बार फिर से बात करेंगे मिशो के बारे में। मेरे पिछले वीडियोस के ऊपर काफ़ी सारे यूजर्स के कमेंट्स आते हैं कि सर मिशो से रिलेटेड काफ़ी सारे इश्यूज देखने को मिले हैं, लाइक वो जब भी बैंक डिटेल को सबमिट करते हैं तो इनवैलिड IFSC कोड बताते हैं, या फिर कई सारे ऐसे यूजर्स हैं जिनका रिफंड और रिटर्न नहीं हुआ है, और काफ़ी सारे ऐसे यूजर्स हैं जो कि मिशो को यूज़ करना बंद कर दिया है और मिशो से अपने बैंक डिटेल को डिलीट करना चाहते हैं, और काफी सारे ऐसे यूजर्स हैं जो कि अपने मिशो अकाउंट को लॉग आउट करना चाहते हैं और एक ही फोन के अंदर दो मिशो अकाउंट को यूज करना चाहते हैं। तो दोस्तों, इन सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन लेके आया हूं इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो कुछ भी अच्छा लगे तो यार लाइक कीजिए, वीडियो बनाया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। सो गाइज, वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, और यहाँ पर अपन बात करने वाले हैं मिशो के बारे में। मिशो के काफ़ी सारे यूजर्स जब भी बैंक डिटेल को सबमिट करते हैं तो दोस्तों उनकी बैंक डिटेल प्रॉपर तरीके से सबमिट नहीं होती है, या तो उनका बेनिफिशियरी नेम सबमिट नहीं होता है, या फिर उनके IFSC कोड इनवैलिड शो होते हैं। तो ऐसे में क्या सोल्यूशन हो सकता है इन सभी प्रॉब्लम्स का? तो दोस्तों, यहाँ पर अगर आपका IFSC कोड इनवैलिड बता रहा है, आपका कोई भी बैंक अकाउंट है या फिर कोई भी बैंक के अंदर आपका अकाउंट है, वो जब भी आप सबमिट कर रहे हैं मिशो के अंदर और वो IFSC कोड इनवैलिड बता रहा है, तो सबसे पहला सॉल्यूशन तो यही है कि आप उसका IFSC कोड चेक कर लीजिए, और अगर IFSC कोड चेक करने के बाद अगर करेक्ट है IFSC कोड, तो दोस्तों जो आपका बैंक अकाउंट है वो मिशो के अंदर लिस्ट नहीं है, या फिर मिशो उस बैंक अकाउंट के अंदर लिस्ट नहीं है, इसीलिए मिशो वो अकाउंट एक्सेप्ट नहीं करता है। तो ऐसे में एक बार आप कोई भी अदर अकाउंट है वो अकाउंट डाल के देखिए, आपके उसके IFSC कोड डेफिनेटली एक्सेप्ट कर लेगा और आपका जो मिशो अकाउंट है वो वर्क करने लग जाएगा। अगर बात करते हैं दोस्तों बेनिफिशियरी नेम के बारे में, तो दोस्तों कई सारे ऐसे यूजर्स हैं जिनका बेनिफिशियरी नेम नहीं दिखता है या फिर रिमूव रहता है, वहाँ से खाली रहता है, बेनिफिशियरी नेम नहीं लिखा हुआ होता है। तो दोस्तों ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, जिसका भी बेनिफिशियरी नेम नहीं लिखा हुआ आ रहा है, तो आपको क्या करना है, एक बार जो भी आपने बैंक डिटेल डाल रखी है उस बैंक डिटेल से आपको किसी नए बैंक डिटेल के साथ रिमूव करनी है, यानी कि आपका एक अकाउंट है और तो दूसरे अकाउंट के साथ उसको रिमूव कर दीजिए। उसके बाद जो पहला आपने अकाउंट डाला है वही अकाउंट के साथ जो लास्ट सेकंड वाली बैंक डिटेल डाली है उसके साथ रिमूव कर दीजिए, तो डेफिनेटली आपका जो बेनिफिशियरी नेम होगा और आपका होल्डर नेम होगा सेम मिलेगा और दोनों आपके यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। तो दोस्तों ये सिंपल सी ट्रिक थी बेनिफिशियरी नेम के लिए, और IFSC कोड कैसे आप इनवैलिड शो हो रहा है तो कैसे आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों मिशो अकाउंट को कैसे आप लॉग आउट कर सकते हैं और कैसे एक ही फ़ोन के अंदर आप दो मिशो अकाउंट को यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों सिंपल सा आपको क्या करना है, मिशो के ऊपर टैप करके रखना है। यहाँ पर स्क्रीन पर जैसा कि आप देख रहे हैं, मिशो के ऊपर आप सिंपल सा टैप करेंगे तो दोस्तों ऐप इन्फो का आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। ऐप इन्फो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और जैसे आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर ओपन अनइंस्टॉल फोर्स स्टॉप का ऑप्शन, उसके बाद नोटिफिकेशन परमिशन वाले और स्टोरेज वाले कई सारे तीन चार ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो इनमें से दोस्तों आपको स्टोरेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और दोस्तों आपको क्लियर कैशे और क्लियर स्टोरेज कर लेना है, और जैसे आप क्लियर कैशे और क्लियर स्टोरेज करोगे तो आपका मिशो अकाउंट लॉग आउट हो जाएगा और आप दूसरा अकाउंट लॉग इन कर पाओगे। ऐसे करके आप लॉग आउट कर सकते हैं मिशो को, और दोस्तों एक ही फ़ोन के अंदर दो मिशो अकाउंट को आप इजीली से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें कैसे आप अपने मिशो से अपनी बैंक डिटेल को डिलीट कर सकते हैं, तो दोस्तों उसके लिए मैंने कई सारे ऐसे वीडियोस बना रखे हैं जिनसे आप अपने बैंक डिटेल को प्रॉपर तरीके से डिलीट कर सकते हैं। बट दोस्तों कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिनमें वो ट्रिक वर्क नहीं कर रही हैं। जब से ही आप उस ट्रिक से अपने बैंक डिटेल को डिलीट करते हैं तो वो सक्सेसफुल नहीं होती हैं और आपकी बैंक डिटेल डिलीट नहीं होती हैं। बट ऐसे कई सारे स्टेट्स हैं जिनके अंदर ये ट्रिक वर्क कर रही हैं, वहाँ पर सक्सेसफुली वो अकाउंट रिमूव कर रहा है उस ट्रिक से। तो दोस्तों वो ट्रिक क्या है, तो मैं एक आई बटन पे लिंक भी दे दूंगा उस वीडियो की, आप उस पर भी देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से, और यहाँ से फटाफट भी मैं आपको बता दूँ। तो दोस्तों सिंपल सा आपको क्या करना है, अपने मिशो अकाउंट के जाना है, मिशो अकाउंट में जाना है, और मिशो अकाउंट में जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा अकाउंट का ऑप्शन, अकाउंट का ऑप्शन पर क्लिक करके आपको जाना है माई बैंक डिटेल। यहाँ पर आपको अपनी बैंक डिटेल देखने को मिलेगी जो आपने करेक्ट डाल रखी होगी वो। तो यहाँ पर आपको एडिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको पासबुक या फिर आपने चेक का फोटो डाला है तब वो
चेंज कर लीजिए। वो चेंज करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर जो अकाउंट नंबर है वहाँ पे आपको 91 डालकर कोई भी 10 डिजिट डाल देनी है। उसके बाद कंफर्मेशन अकाउंट के अंदर ही 91 डाल के जो आपने ऊपर 10 डिजिट डाली है वो सेम डिजिट यहाँ पर नीचे भी डालनी है, और अकाउंट होल्डर नेम कुछ भी रख सकते हैं। गेम होता है यहाँ पर IFSC कोड के, यहाँ आपको क्या करना है IFSC कोड डालने हैं पेटीएम पेमेंट बैंक के, यानी कि PYTM012345 6। ये IFSC कोड आपको डालना है, और मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर और यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर भी आपको IFSC कोड दिख रहे होंगे, तो ये IFSC कोड डालना है और सिंपल सा आपको सबमिट करना है एक बार। और जैसे आप सबमिट करेंगे तो सक्सेसफुली आपकी जो बैंक डिटेल होगी वो रिमूव हो जाएगी, और मीशो आपकी बैंक डिटेल कोई भी मिसयूज़ नहीं कर पाएगा। वैसे तो मीशो एक ट्रस्टेड कंपनी है, किसी प्रकार का मिसयूज़ नहीं होता है मीशो के अंदर, बट फिर भी आपका एक डर निकल जाएगा, आपकी बैंक डिटेल रिमूव हो जाएगी। अगर बात करें दोस्तों रिटर्न और रिफंड के बारे में, काफ़ी सारे ऐसे यूज़र्स हैं जो कि प्रोडक्ट उनका डिलीवर नहीं होता है, या फिर उन्होंने प्रोडक्ट को वापस रिटर्न कर दिया है तो उनका रिफंड नहीं आता है, ऐसे काफ़ी सारे यूज़र्स के कॉमेंट आते हैं। उस केस में वो क्या कर सकते हैं, तो अगर किसी का प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हुआ है और उसने पहले ही ऑनलाइन पेमेंट कर दिया है, और अगर डिलीवर नहीं हुआ है, पार्सल प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हुआ है और वापस से रिटर्न चला गया है, तो ऐसे में आपकी जो बैंक डिटेल होती है जो आप सबमिट करते हैं जिसमें आपका मार्जिन आता है, उसी में आपका जो रिफंड होगा वो भी उसी अकाउंट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और अगर आपको रिफंड नहीं मिला है तो डेफिनेटली आप कस्टमर केयर पर कॉल कीजिए, मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करोगे तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा, मैं आपको सॉल्यूशन बता सकता हूं ओनली। तो आप क्या कीजिए, कस्टमर केयर को कॉल कर दीजिए, अगर काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया आपको रिफंड नहीं आया तो कस्टमर केयर के कॉल करके एक कंप्लेंट दर्ज करा दीजिए। तो ये सिंपल से ट्रिक है। और दोस्तों किसी ने रिटर्न किया है तो सेम प्रोसेस है, उनके लिए भी आपको भी उसी अकाउंट के अंदर मिलेंगे, जिस अकाउंट में आपका मार्जिन आता है उसी अकाउंट में आपको रिफंड मिलेंगे। अदरवाइज दोस्तों रिटर्न के और रिफंड का लिए और अदर आपको बैंक डिटेल सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों यही कुछ इशू थे मीशो से रिलेटेड जो कि काफ़ी सारे यूज़र्स मेरे को पूछते हैं, तो आई होप कुछ सॉल्यूशन आपको मिला होगा। अगर मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर नहीं मिला तो डिसलाइक कीजिए। बाकी वीडियो बने आए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। बाकी थैंक यू, कीप सपोर्ट, कीप लव, हैव अ ग्रेट डे।